नया मुरादाबाद सेक्टर 10 स्थित स्प्रिंगफील्ड्स के प्रांगण में विद्यालय शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं गुणवत्ता शिक्षा परिणाम आदि के उन्नयन हेतु सीबीएसई के तत्वाधान में संयुक्त सचिव क्षेत्रीय अधिकारी देहरादून डॉक्टर रणवीर सिंह द्वारा मुरादाबाद, संभल, रामपुर और बदायूं जिलों के विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों की शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा पर बैठक हुई। विद्यालय के प्रबंधक विपिन जेटली एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतीक्षा दीक्षित ने मुख्य अतिथि एवं सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। विपिन जेटली ने स्वागत भाषण के क्रम में डॉक्टर रणवीर सिंह एवं विभिन्न जिलों के सिटी कोऑर्डिनेटर का अपने व्यस्ततम कार्य में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। बैठक से पूर्व विद्यालय के इको क्लब द्वारा आयोजित वृक्ष हमारे मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर रणवीर सिंह ने वृक्षारोपण किया और कहा कि पृथ्वी को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना अपने आप में एक वृहद कार्य है और ये किसी एक व्यक्ति, समूह, संस्था या राज्य के लिए अकेले करना संभव नहीं है। इसके बाद डॉक्टर रणवीर सिंह ने फीता काटकर व्यायामशाला का उद्घाटन किया तथा स्वयं डंबल उठाकर युवाओं के उत्साह को बढ़ाया और कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तत्पश्चात सभा स्थल पर विद्यालय के प्रबंधक महोदय विपिन जेटली ने मुख्य अतिथि व विभिन्न जिलों के सिटी कोऑर्डिनेटर के साथ सरस्वती माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। विपिन जेटली एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतीक्षा दीक्षित ने मुख्य अतिथि एवं सभी गणमान्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। प्रधान अध्यापकों को संबोधित करते हुए रणवीर सिंह ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नवाचारी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए जिले में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने को कहा। कई अधिकारी जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में और इवन दो सिविल सर्विसेज में भी है, राइट में भी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं केसीएम से पढ़ने निकला। यहाँ पर डॉक्टर सुमन तोमर जी हैं, यहाँ पर और बहुत सारे प्रिंसिपल्स बैठे हैं। जब एक जिले का कलेक्टर और एक बड़ा अधिकारी आता है और 100 लोगों के बीच में शिक्षक के चरण छूता है, किस तरह का आभास होता है उस समय और किस तरह का वो आभास हमें वो शक्ति देता है कि नहीं, मैंने जो किया वो बहुत मजबूत किया, क्योंकि जो आज मैंने जिसको शिक्षा दी थी वो आज उस जगह पे बैठा है जहां से कि जनमानस का तो उपकार हो ही रहा है, उन सेवा तो हो ही रही, वो मुझे भी नतमस्तक है, एक प्रभु की तरह मान रहा है। तो गुरु गोविंद खड़े का कहला को पाए बलिहार गुरु आप गोविंद बताए, ईश्वर का भी अगर दर्शन हुआ है आपके माध्यम से हुआ है और अगर मैं आज यहां पर हूं तो भी आपकी वजह से हूं, तो मेरा आपको शत शत नमन। अब मैं आपके पास बस अपने बिंदुओं को लेकर आया हूं जिसकी वजह से मैं आपके बीच में आया हूं, हमने कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, बस सुन लीजिएगा, मैं ना कोई किसी क्लास की और ना कोई ऐसा कुछ नोट करने की, मेरा केवल कुछ कहना आप लोगों से है। पिछले वर्ष में बहुत कठिन से हमने 2021 का जो रिजल्ट बनाया बहुत कठिनाई से बनाया, बच्चे अभी उस पढ़ने की भावना में जुड़ नहीं पा रहे हैं, जिस मोबाइल को हम बंद करते थे उस मोबाइल को हमने अलाउ किया, अब विद्यालय खुल गए और विद्यालयों में हमारा कामकाज उसी तरह शुरू हो गया, हालांकि थोड़ा बहुत डरा रहे हैं अभी कुछ कुछ चीजें फिर से सब हो रहा है, फोर्थ वेव आ रही है, बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रखिए, सरकार की गाइडलाइन उसको भी पालन करिए और कहीं भी ऐसे डरने की जरूरत नहीं अगर हम सुरक्षित अपने आप को रखते हैं। परंतु मेरा आप लोगों से एक ही चीज का कहना है, जितनी भी नीतियां बनती और जितनी भी व्यवस्थाएं बनती उसमें हमारी शिक्षा जगत के लिए सबसे बेहतरीन अभी हमारे पास दस्तावेज बनकर आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसको अभी लागू करने की जरूरत है और लागू किया जाना चाहिए और अब लागू करने के लिए सरकार का भी आदेश, आप सभी विद्यालय प्रमुख, सभी अध्यापकों उसको लागू करना शुरू कर दीजिए। केंद्रीय विद्यालय ने और जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय से कोई आया है क्या यहाँ पर? थैंक यू। जवाहर नवोदय विद्यालय से कोई आया? धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया। एक यहाँ पर सरकारी स्कूल है रामपुर में, उन वहां से कोई आया? थैंक यू जी धन्यवाद। मुरादाबाद में भी एक सरकारी विद्यालय और स्टेट गवर्नमेंट के चलता है, मुरादाबाद में है, संभल में है, वहां से कोई आए? थैंक यू जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप लोगों को इसलिए अलग से धन्यवाद कि
जो सहोदय आपने तिवारी जी ने अभी सह उदय की बात करी, सहयोग के साथ उदय करने की जो बात करी है, और सहोदय जो बनाया गया है, अब हम इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं होने देंगे इस तरह से कि ये सरकारी है और ये प्राइवेट है। मैं चाहूंगा आप लोगों से कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आके साथ में जुड़कर काम करें। आप शिक्षक हैं, मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं आप लोगों को दो घंटे डेढ़ घंटे के लिए बैठाए रखूं और आपको बोलता रहूं। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि मेरी बात जब खत्म होगी तो आप अपने विचारों को या अपने प्रश्नों को बिल्कुल खुले दिल से मेरे पास रखिएगा। मुझसे पहले भी कोई शिकायत रही होगी और वर्तमान में भी कोई शिकायत होगी उसको भी जरूर रखिएगा। बोर्ड से कोई दिक्कत है, रीजनल ऑफिस से कोई दिक्कत है उसको भी रखिएगा, और उसको मैं कोशिश करूंगा कि तुरंत उसका निदान करूं। जो मेरी नीतिगत व्यवस्था में नहीं होगा उसके लिए आगे बढ़ाकर बात करूंगा। जो मेरे पास यहाँ पर हल देने का होगा उसको यहाँ पर हल देने की कोशिश करूंगा। जो मुझे देहरादून कार्यालय जाकर करना होगा उसको मैं देहरादून कार्यालय से करूंगा। तो पहले मैं बस अपनी बात। तत्पश्चात विपिन जेटली ने मुख्य अतिथि रणवीर सिंह को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया तथा प्रधान अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा सच्चे अर्थों में ज्ञान और विवेक का प्रकाश पुंज है तथा संस्कारों की आधारशिला है। मनुष्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संपूर्णता प्रदान करने की शक्ति यदि किसी तत्व में है तो वह शिक्षा ही है। प्रतिभा को तराशने, रोजगार एवं स्वरोजगार का मार्ग प्रशस्त करने, हर हाथ को हुनर प्रदान करने, सही गलत और अच्छे बुरे के बीच अंतर की समझ विकसित करने एवं सुसंस्कृत नागरिक को गढ़कर देश का भविष्य उज्ज्वल बनाने में शिक्षा का सर्वाधिक योगदान है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय परिषद के छात्रों की विशेष भूमिका रही। अंत में स्प्रिंगफील्ड्स की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतीक्षा दीक्षित ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि स्कूल का उद्देश्य एक ऐसे स्कूल समुदाय का निर्माण करना है जो सभी विद्यार्थियों में करुणा, कठिनाइयों से निपटने की क्षमता और उनके संपूर्ण विकास को बढ़ावा देता है, उन्हें समाज में योगदान देने और संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखने के लिए सशक्त बनाता है। इस अवसर पर नितिन चतुर्वेदी, कोमल सहानी, अजय कुमार, अनुज कुमार, विवेक कुमार, सागर सिंह, निमिता सिंह, नीलू चौधरी, सुनीता सिंह, निशी अग्रवाल, शालिनी शर्मा व विद्यालय परिषद के सभी छात्र मौजूद रहे।